हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका निखिल सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको ईडियम्स और फ्रेजेस, जिसमें कि मैं आपको 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस दूंगा, उसके साथ ही मैं आज आपको सिंटेक्स भी बताऊँगा। ठीक है, क्या बताऊँगा? सिंटेक्स बताऊँगा, और इसमें जो मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊँगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आरएसएम में ईडियम्स एंड फ्रेजेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि मैं आज आपको 20 क्वेश्चन दूंगा, और इस 20 क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा होंगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं सबके सामने लिख रहा हूँ कि कितने कितने साल क्या क्या पूछा गया है, तो वो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको अगर बता दूँ तो जैसे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो में आपको आज ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा बता करके, उसके बाद मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंटेक्स कौन कौन से हैं और क्या क्या सिंटेक्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर पूरा देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या है। पहला, ये तो दोस्तों अक्सर पूछ देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ देता है कि अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? फूलों की सेज। बेड ऑफ रोजेस का मतलब फूलों की सेज क्या होता है? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेज यानी फूलों की सेज, तो क्या होता है? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जो हमारा जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है, यानी कि संघर्षता भरी हुई है। ठीक, कठिनाइयां भरी हुई हैं। तो 2013, 17, 19 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? अ रेड लेटर डे का मतलब होता है स्वर्णिम दिन। स्वर्णिम दिन यानी कि वह दिन जो कि किसी एक के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसे बोलते हैं स्वर्णिम दिन। तो क्या ये देखिए, आपके 2016 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो सकता है कि 20 में भी पूछे। और आज मैं जितने भी आपको बताया हूँ idioms and phrases, इसमें से ही आपसे पूछेगा। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या हो जाएगा? स्वर्णिम दिन क्या हो जाएगा? 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय इतिहास में 15 अगस्त का जो दिन है वो एक स्वर्णिम दिन है। आरएसएम में चलिए, अ रेड लेटर डे का यूज आप खुद के लिए भी कर सकते हो, अगर आप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि को क्या किए हो, हासिल किए हो तब। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके और भी क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आपका अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब था काल्पनिक आनंद, यानी कि हम लोग के पास है तो कुछ नहीं, लेकिन हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम करोड़पति बन जाएंगे, तो एक काल्पनिक आनंद है। ठीक है, काल्पनिक आनंद का अर्थ होता है अ फूल्स पैराडाइज। फूल का मतलब मूर्ख, पैराडाइज मतलब महल। ठीक, तो मतलब मूर्खों का महल, उसको काल्पनिक आनंद भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब जैसा कि है idioms and phrases, तो जाहिर सी बात है कि देगा कुछ और उसका मतलब निकलेगा कुछ और। तो क्या हो जाएगा? वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, यानी कि वह जो हमेशा काल्पनिक आनंद की उम्मीद करता है वह अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाता। तो अ फूल्स पैराडाइज यानी काल्पनिक आनंद, तो वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और यही सारी चीजें अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, उसको मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ। बोरिया बिस्तर के साथ यानी कि आप अगर घर वर छोड़ के जा रहे हो तो लोग बोलते हैं अपने बोरिया बिस्तर को साथ में लेते जाओ ना, तो बोरिया बिस्तर के साथ यानी कि पूछा 2011 में, 18 में और 19 में। तो माई फ्रेंड हैज लेफ्ट वाराणसी बैग एंड बैगेज, यानी कि मेरे दोस्त ने वाराणसी क्या किया, छोड़ दिया बोरिया बिस्तर के साथ, यानी कि बोरिया बिस्तर के साथ उसने बनारस छोड़ दिया। ठीक है, उनकी वो बनारस से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है घुमा फिरा कर बात करना है। देखिए 11 में पूछा, 16, 17, 18 में पूछा, 20 में पूछने की संभावना है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना है, कि कोई भी इंसान घुमा फिरा करके क्या करता है, बात करता है, उसे क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश। तो हो जाएगा प्रमोद इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, यानी कि प्रमोद बंदा है जो हमेशा घुमा फिरा कर बात करता है। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब हो गया प्रमोद इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश। जरूरी नहीं कि मैंने प्रमोद लिखा तो आप भी बोर्ड एग्जाम में प्रमोद ही लिख करके आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, ब्लैक शिप। ब्लैक शिप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक शिप आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसका मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति। ये 2016, 18 और 19 में आपसे पूछा गया, 2016, 18 और 19 में आपसे पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, रमेश इज अ ब्लैक सिप ऑफ हिज फैमिली, रमेश इज अ ब्लैक सिप ऑफ हिज फैमिली। आ रहा है समझ में? आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? बोन का मतलब तो हड्डी होता है। बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की जड़। ये 2010, 16, 17, 18 में पूछा था। तो बोन ऑफ कंटेंशन का लिख सकते हैं कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमारा कश्मीर है वो क्या है, झगड़े की जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो इसका अर्थ होता है तेजी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ है तेजी से। 12, 16, 18, 19 में पूछा गया है। तो जगह हिज या फिर हर वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि उसका जो वेल्थ है यानी कि उसका जो शरीर है वो तेजी से क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है कैस्टल सिंधी एयर, यानी कि हवाई किले बनाना या फिर हवाई किले, कैस्टल सिंधी एयर हवाई किले। 12, 13, 15 में पूछा गया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ही डज नथिंग बट बिल्ड्स कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि वह करता तो कुछ भी नहीं है लेकिन हवाई किले बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ह्यू एंड क्राई, इसका अर्थ होता है शोर। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑन सीइंग अ स्नैक स्टूडेंट्स ह्यू एंड क्राई, यानी कि सांप को देखते ही बच्चे क्या होगा, चीखने और चिल्लाने लगे या फिर शोर करने लगे। तो ह्यू एंड क्राई यानी कि शोर, ऑन सीइंग अ स्नैक स्टूडेंट्स ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लिखित दोस्तों, ये मत लिखिएगा काले सफेद में, आप अंतर लिख करके चले मत लिखिएगा। 11, 14, 16 और 18 में पूछा गया है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ होता है लिखित। तो ही कन्फेस्ड हिज क्राइम इन ब्लैक एंड व्हाइट, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, यानी कि लिखित तौर पर उसने क्या किया है, अपने गुनाह को कबूल किया है। नेक्स्ट इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का अर्थ होता है संक्षेप में, क्या होता है संक्षेप में। 13, 16, 18 में पूछा गया, देखिए टेल मी दिस स्टोरी इन अ नटसेल। जैसे कि अगर आप किसी से बोलते हो कि यार क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहा हो, तो बोलता है कि यार क्या बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है। तो आप बोलते हैं ना कि यार छोटे में बताओ, संक्षेप में बताओ, तो उसे आप यूज कर सकते हैं इन अ नटसेल। तो टेल मी दिस स्टोरी इन अ नटसेल या फिर टेल मी योर प्रॉब्लम इन अ नटसेल, यानी कि संक्षेप में अपनी दिक्कत को हमसे बताइए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट है इन लिव ऑफ। इन लिव ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों बदले में। इन लिव ऑफ का अर्थ क्या होता है, बदले में। 12, 14, 16 में पूछा गया था। द शॉपकीपर पेड कैश इन लिव ऑफ हिज डिसऑनर्ड चेक, यानी कि उसके चेक के बदले में उसने क्या किया, कैश दिया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किथ हैंड किन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किथ हैंड किन। ठीक, 2020 के लिए इसका अर्थ होता है अति निकट मित्र, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड। तो हिज मैरिज वॉज अटेंडेड बाई हिज किथ एंड किन, यानी कि उसकी शादी में उसके बहुत ही निकट मित्र लोग आए हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा भाग। ये नहीं कि शेयर का जा करके आप लगे शेयर करने, जी नहीं, वो नहीं, सबसे बड़ा भाग लायन शेयर। इसका हो जाएगा माई यंगर ब्रदर ऑलवेज वॉन्ट्स अ लायन शेयर इन स्वीट्स, यानी कि मेरा जो भाई है, यंगर का मतलब छोटा भाई, मेरा जो छोटा भाई वो हमेशा चाहता है कि उसे लायन शेयर इन स्वीट्स यानी कि मिठाइयों में सबसे बड़ा भाग मिले। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आपके सिंटेक्स को सॉल्व करेंगे। ये है दोस्तों आपका मेडन स्पीच। मेडन स्पीच इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पहला भाषण। ये आपसे पूछा गया था 2010 में, 14 में और 19 में। तो मिडन स्पीच जाहिर से होता है पहला भाषण, बोलते हैं ना मिडन, इनका डेब्यू मैच है तो मिडन सेंचुरी, मिडन हाफ सेंचुरी, तो मतलब पहला। तो इट वॉज माई मिडन स्पीच इन माई स्कूल, लिख सकते हो अपने से बना करके, कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका निप इन द बड। निप इन द बड इसका अर्थ क्या होता है कि आरंभ में रोकना। बड में देखिए कीचड़ भी होता है, तो इसका अर्थ क्या है, अलग है। निप का मतलब क्या होता है, निप का मतलब झपकी लेना। ठीक, तो क्या कीचड़ में झपकी लेना, नहीं, तो ये आरंभ में रोकना। ठीक है, तो ये 2010 में पूछा था, 13 में पूछा और 18 में पूछा ना। तो एविल डीड शुड बी निप्ड इन द बड, यानी कि जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमें क्या करते हैं, आरंभ में ही रोकने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑफ, क्या है ऑन एंड ऑफ, यानी कि अनियमित रूप से। 2010, 17 और 19, तो यू कैन नॉट लर्न वेल इफ यू अटेंड योर क्लास ऑफ एंड ऑन।
इसी के साथ आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है टू एंड फ्रो, वो मैं लिखा वो वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका टू एंड फ्रो, इसका अर्थ होता है आगे पीछे, 10 11 12 17 18 19 ठीक 20 में पूछ सकता है टू एंड फ्रो। व्हाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, यानी कि आप आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, आप उस बंदे के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका व्हाइट एलिफेंट, और यही आपका 20वां और आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है अत्यंत खर्चीला, 2013 17 और 19, तो दिस कार हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी बिकॉज इट्स कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज टू मच, यानी कि ये जो हमारे पास गाड़ी है वो बहुत ज्यादा खर्चीली है क्योंकि इसमें जो पेट्रोल या फिर डीजल खर्च हो रहा है बहुत ज्यादा लग जा रहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया व्हाइट एलिफेंट का मतलब, आप सफेद हाथी लिख करके बताइएगा, ठीक है, व्हाइट एलिफेंट मतलब अत्यंत खर्चीला। तो दोस्तों ये इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और क्लास ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स, जो कि अक्सर पूछा जाता है और अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम सिंटेक्स को देखते हैं और सिंटेक्स के भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन के बीच में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो समय ज़्यादा ना लेते हो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके सिंटेक्स को। तो ये है दोस्तों आपके इंग्लिश ग्रामर में सिंटेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आई वेंट आउट फॉर वॉक, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो दोस्तों देखिए इसमें कुछ गलत चीजें दी होती हैं इसको हमें करेक्ट करके लिखना होता है। आई वेंट आउट फॉर वॉक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, यानी कि हिज पोएट्री आर मिस्टिक होगा, पोएट्रीज नहीं होता है दोस्तों, पोएट्री एक प्लूरल फॉर्म है, आ रहा समझ में, सिप भी क्या है एक प्लूरल फॉर्म है, चिल्ड्रन भी एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक नहीं होगा, हिज पोएट्री आर मिस्टिक होगा, ठीक, क्योंकि पोएट्री ऑल्सो क्या है, ये प्लूरल है, सारी चीजें आप ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इट इज फोर इन माई वॉच, यानी कि मेरे घर में मेरे घड़ी में 4 बज रहा है, इट इज फोर बाय माई वॉच, यानी कि मेरे घड़ी के अनुसार या फिर मेरे घड़ी के द्वारा 4 बज रहा है। ठीक, नेक्स्ट होगा अ शिप स्विम्स ऑन वाटर, यानी कि जो भेड़ है वो नदी में क्या करती है या फिर पानी में क्या करती है, तैरती है, तो अ शिप सेल इन वाटर, अ शिप सेल इन वाटर, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, यानी कि इसको करेक्ट करना है ना, तो ये देखिए क्या होगा, वह उतना ही इनोसेंट है जितने कि आप, तो ये अपने आप में क्या है सही है, ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, तो दोस्तों इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि अरे यार तो गलत है चलो इसको सही करके आते हैं और सही चीज को भी गलत करके चले जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी चीजें पूछ दी जाती हैं जो कि बहुत करेक्ट होती हैं और उसको हम लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है, जबकि आपको वही लिखना होता है, तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, तो वही आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि रमेश इज द ओल्डर ऑफ द ईयर टू सन्स, रमेश इज द ओल्डर ऑफ द ईयर टू सन्स, यानी कि उनके दो बच्चों में रमेश क्या सबसे बड़ा है, तो हो जाएगा रमेश इज द एल्डर, ओल्डर नहीं बच्चा, एल्डर होता है ना, ऑफ द ईयर टू सन्स। ठीक, तो ये हो गए 6 आपके सिंटेक्स, सही, हम आगे बढ़ते हैं और सिंटेक्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आई हैव 10 रुपीज नोट, तो जाहिर सी बात दोस्तों रुपीज तो होता नहीं, आपने क्या पढ़ा, रुपी पढ़ा है, फीस को भी आप लोग क्या पढ़ते हो, फी पढ़ते हो, फीस कभी नहीं पढ़ते हो ना, तो आई हैव अ 10 रुपीज नोट, तो क्या हो जाएगा आई हैव अ 10 रुपी नोट। नेक्स्ट है दोस्तों ही बिहेव्ड कावर्डली, तो क्या हो जाएगा हिज बिहेवियर वॉज कावर्डली, ये गलत है और ये क्या है सही है। नेक्स्ट है आई एम इल फॉर 2 डेज, यानी कि मैं बीमार हूं 2 दिन से, आई एम इल सिंस 2 डेज। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको टेंस पढ़ाया है तो सारी चीजों को मैंने बताया है। नेक्स्ट यूरो इज एन यूनिट ऑफ करेंसी, लेकिन देखिए यू यानी कि यूनिट, यू आपका निकल रहा है ना कॉन्सोनेंट हो गया और यू आपका वोकल भी निकल रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा अ का यूज होगा, एन का यूज नहीं होगा, तो यूरो इज ए यूनिट ऑफ करेंसी। नेक्स्ट भी देखिए वही दोस्तों गलती है, एन को ए को एन कर दिया, आयरन इज एन यूजफुल मटेरियल, जी नहीं आयरन इज ए यूजफुल मटेरियल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इट इज अ बेस्ट बुक, यानी कि यह बहुत ही ज्यादा अच्छी किताब है, तो इट इज द बेस्ट बुक, क्योंकि बेस्ट क्या अ का यूज नहीं होता है, द का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन इज मोर्टल, तो अ मैन इज मोर्टल नहीं होता है, मैन इज मोर्टल होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है अ मैन इज मोर्टल बोलेगा आपको क्या करके आना, मैन इज मोर्टल, तो ये होगा 15 आपके सिंटेक्स। आइए हम और 15 सिंटेक्स को सॉल्व करके आपको सॉल्व दिखाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कि ही इज अ एमपी, लेकिन एम एम साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना एम, तो ए पहले आ रहा, तो एन एम पी, ही इज एन एम पी,
नेक्स्ट है ही इज टॉलर देन मी, तो नहीं ही इज टॉलर देन आई ये होता है, ठीक है। सोनू इज माई ओल्डर ब्रदर, फिर वही चीज आएगा, तो सोनू इज माई एल्डर ब्रदर हो जाएगा। फिर था डू नॉट मेक नॉइज, तो हो जाएगा डू नॉट मेक अ नॉइज, ठीक। ये मैंने आपको सारी चीजें ग्रामर में पढ़ाई है। आई लॉस्ट 100 books, आई लॉस्ट 100 of books, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है ना, आई लॉस्ट 100 books, आई लॉस्ट 100 of books। नेक्स्ट है द गेम केम टू एंड, ना टू एन एंड, आपने पढ़ा होगा देखा भी होगा, द गेम केम टू एन एंड। नेक्स्ट आपका कोलंबस वॉज अमेरिकाज डिस्कवरर, जी नहीं कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये सही होगा ठीक। कोलंबस वॉज अमेरिकाज डिस्कवरर नहीं, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कि अमेरिका खोज किसने किया था, किसने किया था, कोलंबस ने किया था। ये हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आई लाइक टू रीड हिंदू, तो हिंदू जो न्यूज पेपर उसके आगे हम लोग द लगाते हैं ना, द हिंदू, ठीक। तो ये सिंपल है। फिर ही रन्स वेरी फास्टली, तो हो जाएगा ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, फास्टली नहीं होगा। नेक्स्ट है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो क्या हो जाएगा द गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, क्यों, क्योंकि हम लोग जितने भी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, जितने भी मेटल्स होते हैं उसके आगे हम लोग द का यूज नहीं करते ना, तो वाटर के आगे द का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आस्क ही टू गो, ये देखिए जाहिर सी बात है गलत है, हिम होगा ना, आस्क हिम टू गो, उसे जाने को कहो। नेक्स्ट है वी मस्ट हेल्प पुअर्स, यानी कि हमें गरीबों की अवश्य सेवा करनी चाहिए, तो वी मस्ट हेल्प द पुअर्स हो जाएगा, द पुअर्स हो जाएगा। वन मस्ट लव हिज कंट्री, तो वन मस्ट लव वंस कंट्री, हिज नहीं, वन के साथ वंस होगा, ही होता तो हिज होता, दे होता तो देम होता, वी होता तो आवर्स होता है ना, तो वन मस्ट लव हिज कंट्री, तो वन मस्ट लव वंस कंट्री। नेक्स्ट सन राइजेज इन ईस्ट, तो जी नहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ हम किसका यूज करते हैं द का, तो सन राइजेज इन ईस्ट नहीं होगा, सन राइजेज इन द ईस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ही वॉज एंग्री अपॉन मी, देखिए अपॉन मतलब मेरे ऊपर गुस्सा है, जी नहीं ये होगा ही वॉज एंग्री विथ मी, ही वॉज एंग्री विथ मी, ठीक। तो ये आपका हो गया सिंटेक्स। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस और सिंटेक्स बताए हैं, तो वीडियो को कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक को वीडियो चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं निखिल सर आपका विदा लेता हूं, आपसे मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपको ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो वेलकम, अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।